इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार में पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव असल मायनों में जननेता है। हर तरफ की आपदा में जब देश के तमाम प्रतिष्ठित और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग अपने घरों को बचाने की जुगत में लगे रहते हैं, ये व्यक्ति असल जननायक की तरह देश की आम जनता के बीच न सिर्फ मौजूद रहता है बल्कि उनके कष्टों को कम करने में भी लगा रहता है। इस जननायक का उसके कर्तव्य का निर्वहन करता देख बिहार सरकार का घबरा जाना मेरी बात की पुष्टि करता है। मैं बिहार के पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध करती हूँ। जनता के हकों के लिए लड़ाई लड़ने वाले की जगह संसद है, जेल नहीं। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है, न ही इस बात में कोई दो राय है कि बिहार के पूर्व सांसद हमारे पप्पू भैया यानी कि राजेश रंजन जी सही मायने में एक जन नेता है। हर तरह की आपदा में जब देश के बाकी जिम्मेदार और प्रतिष्ठित लोग अपने अपने घरों में अपने परिवार अपने बच्चे के साथ समय बिताते हैं, उस समय ये व्यक्ति एक असल जननायक की तरह अपने देश में आम जनता के बीच में सिर्फ मौजूद नहीं रहता है बल्कि उनके कष्टों का निवारण भी करता है। बिहार के इस जननायक को उसके कर्तव्य का निर्वहन करते देख बिहार सरकार ऐसे बौखला गई, कुछ हजम नहीं होता है। ये सरासर गलत है। मैं पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध करती हूँ। जनता के हकों के लिए लड़ने वाले इंसान की जगह संसद में होती है, न ही कि जेल में। पप्पू यादव को जल्दी से जल्दी रिहा करें।